साथ में से पहले फैक्टर में तो स्नैपड्रैगन 778G प्लस बेटर है, एंड बेटर से आई मीन काफी ज्यादा बेटर। ज्यादा पावर कोर्स, ज्यादा क्लॉक स्पीड, फुल्ली पावर पैक्ड सीपीयू ऑन पेपर तो कम से कम। एनीवेज सीपीयू स्कोर में तो ऑफकोर्स स्नैपड्रैगन 778G प्लस काफी बेटर स्कोर करता है। अब वो एंटूटू हो या गीगबेंच, दोनों में ही बढ़िया प्रदर्शन स्नैपड्रैगन 778G प्लस का। और प्रदर्शन तो जीपीयू का ऐसा ही रहता है क्वालकॉम के चिपसेट्स का, भले ही सीपीयू अच्छा ना हो बट जीपीयू में इनको हराना काफी मुश्किल है। एंड यही चीज यहाँ पर भी नोटिस की जा सकती है, एट लीस्ट ऑन पेपर स्पेक्स एंड बेंचमार्क कंपैरिजन में। ये 3D मार्क ही देख लो, दोनों में 500 पॉइंट्स का फर्क है। तो क्या स्नैपड्रैगन 778G प्लस का ये परफॉर्मेंस रियल लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड होगी? अजी मेरा अभी तक का वीडियो में कंपैरिजन देख के ये तो कंफर्म ही है ना कि स्नैपड्रैगन 778G प्लस में बेटर BGMI परफॉर्मेंस एंड बेटर BGMI ग्राफिक सेटिंग्स देखने को मिलेगा। वेल परफॉर्मेंस की तो बात करेंगे ही, बट फिलहाल ग्राफिक सेटिंग्स में दोनों में कोई फर्क तो नहीं है। चलो सेटिंग्स में क्या रखा है, FPS अच्छे और स्टेबल मिलने चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एंड डायमेंसिटी 900 NOT CE2 में लगा हुआ है, एंड इसका BGMI TDM परफॉर्मेंस देखिए स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में तो काफी धांसू परफॉर्मेंस है। कॉन्स्टेंट 59-60 FPS एंड सेम ग्राफिक सेटिंग्स पे हॉट ड्रॉप करने पर जो लोएस्ट FPS है वो 52 FPS नोटिस हुआ है। सो ओवरऑल डायमेंसिटी 900 इज नॉट बैड। ऑन दी अदर साइड 778G प्लस अभी तक सिर्फ एक ही महाशय में मिला है, मोटो एज 30, और इसकी परफॉर्मेंस मैं क्या ही बोलूं। मतलब इसका परफॉर्मेंस देखने के बाद मैंने मम्मी को बोला मुझे कुछ दिखाएंगे जरा मां। स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में गेमिंग हो रही है यहाँ पे, और स्टार्ट के गेमिंग में 20 से 30 मिनट तक तो काफी ठीक चलता है, बट 30 मिनट के बाद ये जो हकता है, मतलब मोटरोला भी खुद आए तो लीप ना पाए, क्योंकि भाई 48-49 FPS TDM में काफी घटिया। और मानो ना मानो TDM तो फिर भी ठीक है, इस ग्राफिक सेटिंग्स में अगर हॉट ड्रॉप कर लिया ना तो मरना तो बिल्कुल पक्का है। भाई करे 60 FPS का वादा, बट रियलिटी उसका आधा सीधा 27 FPS तक पहुंच जाता है। Emotional, damn it. FPS में तो Snapdragon 778G प्लस नाम डुबा बैठा है, बट बैटरी में भी ये ज्यादा बैटरी खाता है Dimensity 900 के मुकाबले। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर दोनों ही प्रोसेसर्स को 5000 mAh की बैटरी दी जाए एंड दोनों में ही स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे एक घंटे की गेमिंग की जाए तो Snapdragon 778G प्लस 2% से लेके 3% तक ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर लेगा। तो ज्यादा बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं डायमेंसिटी 900 से। ऑल्सो हीटिंग वाइज भी डायमेंसिटी 900 35 डिग्री से लेकर 39 डिग्री तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आप जहाँ रहते हो वहाँ का एम्बियंट टेम्परेचर क्या है। ऑफकोर्स कश्मीर की वादियों में फोन कम हीट करेगा एज कम्पेयर टू गुजरात की गर्मी में। गुजरात से महाराष्ट्र तक आसमानी आफत का कहर, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। फिलहाल तो ये प्रे करते हैं कि वहाँ बारिश बंद हो जाए। दोनों ही प्रोसेसर्स 4K एट 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एंड मैक्सिमम फोन्स में ये फीचर मिलता भी है, सभी इंडियन वेरिएंट्स में तो मिलता ही है। भाई तुम अब देखो तुम कौन सा लेना चाहते हो, गेमिंग ही करना चाहते हो तो डायमेंसिटी 900 लो, बाकी मेरी मानो तो उससे भी बेटर चिपसेट उसके ही बजट में जरूर से मिल जाएंगे। और मोटो एच 30 का ये परफॉर्मेंस इशू ऑफकोर्स सी बात है अपडेट से ठीक हो सकता है, बट ये होगा कब तक और होगा भी कि नहीं इस पे कोई ट्रस्ट नहीं। बाकी ये वाली वीडियो देख लेना, बेटर आइडिया आ जाएगा कि बजट वाइज कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। नाउ बाय।
नाउ बाय। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी।